हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी देखिए, सुबह सुबह का टाइम है और आज दिन है मंडे का। बच्चों को मैंने स्कूल में भेज दिया है और बस उनके जाने के बाद लग गई हूँ अपने घर के कामों में। आज हालत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इतनी ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा था, मन कर रहा था कुछ भी ना करूँ, लेकिन काम तो सारे ही करने थे। आज मेरा फास्ट भी है मंडे का और आज परी का भी फास्ट है। परी सुबह ही नहा धोकर पूजा पाठ करके चली गई है और मैंने टिफिन में इसके फ्रूट्स रख दिए थे। मैंने कहा फ्रूट खा लेना और दूध पिलाकर मैंने उसको भेज दिया था। और बस मैं भी लग गई हूँ अपने कामों में, क्योंकि काम तो सारे ही करने हैं। धीरे धीरे कर रही थी, थोड़ा करके बैठ जा रही थी क्योंकि काम नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो ये कुछ फ्रूट्स लेकर आए थे, मैंने रात में नहीं किए थे खाली। मैंने कहा चलो सुबह में ही कर लूँगी। और ये खीरे हैं हमारे हनी के लिए, उसके लिए खीरे आते हैं, बंद गोभी आती है। तो बस मैं एक खीरा उसको डाल दूंगी क्योंकि मैंने अभी तक उसको खाना नहीं डाला है। वो मैं जब भी बार बार वाले रूम में जा रही हूँ ना, बार बार मुझे देख रहा है। तो चलिए मैं इसको भी खाना डाल देती हूँ और उसके बाद अपने निपटा लेती हूँ फटाफट घर के काम, क्योंकि मुझे आज का दिन ही रहता है। मैं जल्दी जल्दी घर अच्छे से क्लीन कर लूँ और फिर नहा धो के अपना पूजा का काम निपटा लूँ। तो देखिए आज मैंने निकाला है अपना ये वाला सूट और बस काम तो मैंने कर लिए थे, झाड़ू पोछा बर्तन जो के थे, और बस मैं कर लूँगी अपने अब कपड़ों प्रेस। ऐसे बुचड़ रखा था एकदम से बहुत ही ज़्यादा। तो जी देखिए आ गई हूँ नहा कर। तो जी घर में तो मैंने पूजा कर ली है और चलिए मंदिर जाने की तैयारी कर लेती हूँ। नहा धोकर अच्छे से हो गई हूँ रेडी एकदम, और बस कुछ फ्रूट्स और वही जो कि मैं हर बार लेकर जाती हूँ, धूपबत्ती लेकर जाती हूँ। और दिया नहीं लेके जाती हूँ मैं, क्योंकि दिया नहीं लेके जाती हूँ, बस मैं धूपबत्ती ही लेके जाती हूँ। तो चलिए जी मंदिर जाने की तैयारी हो गई है और वीडियो नहीं बनाऊँगी मंदिर में, बस ये वीडियो यहीं तक का है। अब मिलूँगी मंदिर से आने के बाद। चलिए चल लेते हैं मंदिर में। तो जी देखिए आ गई हूँ मंदिर में और मैं आपको बोल रही थी कि मंदिर में वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन हुआ क्या है, जैसे ही मैं मंदिर में आ रही थी ना, तो मुझे एक मिल गई थी कि मैं भी चल रही हूँ। मैंने कहा चलो, फिर मैंने उनसे पूछा कि आप फ़ोन ले रहे हो? ये बोलने लगी कि हाँ मैं फ़ोन ले रही हूँ, क्योंकि मैं तो फ़ोन लेकर नहीं गई थी, तो बस उनके पास था फ़ोन। हमारे सामने वाले जो रहते हैं ना, वो ही गई थी मेरे साथ में। फिर उसने मेरी अपने फ़ोन से छोटी सी क्लिप बना दी थी। मैंने कहा चलो अच्छा हो गया, थोड़ा सा तो मंदिर का बन गया कि हाँ मंदिर में गए थे। तो बस मंदिर से मैं पूजा करके आ गई हूँ और
और बाल बस ऐसे ही बांध कर चली गई थी, बाल मेरे गीले हो रहे थे। और ले लिया है अपना एक गिलास पानी, नॉर्मल पानी है, ना ही कोई नींबू, ना ही कोई विनेगर और ना ही गर्म पानी, सिर्फ नॉर्मल पानी है हमारा, रूम टेम्परेचर पे जो होता है ना वही आरओ का पानी है। उसके बाद मैंने काट लिए है कुछ फ्रूट्स, भूख लगी थी मुझे बड़ी तेज, क्योंकि शाम का खाना मैं जल्दी खा लेती हूँ ना तो फिर भूख लगने लगती है। तो इसमें अमरूद है, सेब है और नाशपाती है। तो जी ये कुछ कमेंट्स हैं, आप भी देख लीजिए, हम आपके व्लॉग का रोज़ इंतज़ार करते हैं, डेली देखती हूँ, यशोदा कुमावत, थैंक यू सो मच। एक है मैं पंजाब से डोली बोल रही हूँ, आप बहुत सुंदर हो, प्लीज़ मेरा नाम लेना। तो जी डोली सिंह, थैंक यू सो मच। और जी देखिए दोपहर का टाइम हो गया था और मुझे कुछ होश नहीं थी, बस मैं तो ऐसे ही सुबह का काम निपटा कर लेटी थी, तो ये आई, ये खाना भी बाहर से ही लेके आए थे और बस देखिए अपने खाना लगा रहे हैं। गोलू और जैसे इनके पापा ही हैं, परी और मैं तो वर्त थी, तो बस ये बाहर से ही खाना लेकर आ गए थे। ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, जैसे बीमार हो जाती हूँ या कुछ वर्त रहता है तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बोल लेते कि खाना चल तू मत बनाइए, अपना हल्का फुल्का काम करके लेट जा। तो बस मैं सो गई थी और ये देखिए फिर इन्होंने मेरे लिए बनाई है चाय, के तुम भी चाय पी लो और दवाई ले लेना। तो देखिए ये कुछ मंगा लिया था परी के लिए, क्योंकि परी का भी फास्ट था, तो बस क्योंकि बच्चों को रहता है ना, हम तो एक बार को रह भी लेते हैं लेकिन बच्चों को पूरा दिन चाहिए कुछ ना कुछ खाने के लिए, तो उसके लिए मैंने लड्डू और नमकीन मंगा ली थी। मैंने भी थोड़ा थोड़ा सा खा लिया था, थोड़ी सी चाय ले ली थी और लड्डू। और जी ये कमेंट्स किए हैं कोमल सिस्टर ने और लक्ष्मी ब्लॉगर ने, आप दोनों को दिल से धन्यवाद, आप मुझे पसंद करते हो और मैंने आपका नाम ले लिया है लक्ष्मी ब्लॉगर सिस्टर, ठीक है। तो गाइस शाम के 5 बज गए हैं, बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं और मुझे ना अंदर ही अंदर बुखार था, उसी की वजह से मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द था ना कि मैं सुबह से मैंने बहुत मुश्किल से काम किया था, जो कि ज़रूरी था बस वो ही काम किया था, झाड़ू पोछा और पूजा पाठ का, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर ये आए, ये भी खाना वाना बाहर से ही लेकर आए थे और मैंने थोड़ी सी चाय पी क्योंकि कुछ भी नहीं खा रखा था, पेट भी एकदम आग सी हो रही थी, खाली पेट होता है ना तो पेट में भी एकदम ऐसा होता है। तो अभी ये बोलने लगे कि दवाई खा ले कुछ आराम मिलेगा, तो ये ना अभी दवाई देकर गए थे मुझे, एक बुखार की गोली और एक गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है गले में एसिडिटी वाली ना, तो एक गोली उसकी खाई थी और उसके खाने के बाद मुझे तुरंत ही आराम आ गया, मतलब एकदम से शरीर में पसीने आ गए, यानी कि मुझे ना अंदर ही अंदर बुखार हो रहा था, मतलब लग नहीं रहा था मुझे बुखार है लेकिन बस मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो उसकी वजह से ना मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। तो अभी जब दवाई खाई है ना तो आराम मिल गया है, तो अभी मैं शाम का खाना वाना बनाऊँगी, मैंने कहा चलो बच्चे आ जाए कुछ बच्चों से करवाऊँगी काम, परी मेरी हेल्प करा देती है थोड़ी थोड़ी, और देखती हूँ क्या बनाऊँगी, क्योंकि गोभी बोला था इनको लाने के लिए, ये भूल गए गोभी लाए नहीं, अब आलू आलू ही बनाऊंगी और क्या बना सकते हैं व्रत में, दाल वाल खाने का मन नहीं, आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी और सोच रही हूँ पूरी पराठे, क्या आप लोग बताना रोटी खा सकते हैं क्या व्रत में, ये पराठे या पूरी ही खानी ज़रूरी है क्या, क्योंकि मुझे पराठे वराठे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है अगर रोटी खा लेते हैं तो मैं रोटी ही खाया करूँगी व्रत में, क्योंकि मुझे नहीं हजम होता है ये पूरी पराठे। तो जी आ गई हूँ मैं किचन में और परी ने ना पूरी किचन बहुत अच्छे से क्लीन कर दी थी, सारे बर्तन सिंक में इकट्ठा कर दिए थे, बोल रही थी मम्मी मैं बर्तन साफ़ नहीं करूँगी, मैंने कहा कोई नहीं मैं बर्तन बाद में साफ़ कर लूँगी, अभी बस इतना करो कि सारे बर्तन इकट्ठा करके किचन अच्छे से क्लीन कर दो, गैस वैस साफ़ कर दो, मैं व्रत का खाना बना लूँगी। तो देखिए मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि और कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, और मैं सूखे से आलू बनाऊँगी। परी को बहुत लगी थी कि मम्मी मठा के आलू बनाओ, लेकिन मैंने बोला नहीं मठा के आलू नहीं बनाऊंगी, सिर्फ सूखे से आलू बनाऊंगी। तो देखिए दो टमाटर ले लिए मैंने, बिना लहसुन प्याज के ही बनाऊंगी, और साबुत धनिए में और जीरे में और हींग में मैंने इसमें लगा दिया है तड़का, और जो ये टमाटर है बस इसमें डाल दूंगी, और अपने सारे रेगुलर मसाले वही, ज़्यादा तेज़ सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है आजकल ना, जो ये मैं तेज़ तेल मसाले ज़्यादा खा रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो जी बस मैं इसमें अपने सारे मसाले डालकर मसाला अच्छे से भून के इसमें आलू डाल दूंगी और फिर बाकी आगे की तैयारी करूंगी।
जी आटा लगा के रख दिया है, सब्जी छोंक दी है। चलिए मैं बना लेती हूँ बूंदी वाला रायता, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस इसमें बूंदी डाल दी है, काला नमक और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। और ये मैंने जीरा भून लिया है, इसको मैं हाथों से क्रश करके डाल दूंगी इसमें। और बस ऐसे ही मैं इसको छोड़ दूंगी, बूंदी फूल जाएगी तो ये ना बहुत ज़्यादा फिर गाढ़ा भी हो जाएगा। अभी ना मैंने पतला सा रखा था। और ये देख लीजिए, सुबह से शाम तक के बर्तन हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, क्योंकि सिंक भरी थी, कुछ मुझे धोना वोना पड़ रहे थे हाथ वात, तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा चलो मैं ना पहले इनको ही निपटा देती हूँ। पर इन्हें बहुत अच्छे से घर को एकदम क्लीन कर दिया था, जो कि शाम के टाइम भी इतना ही काम रहता है जितना कि सुबह के टाइम रहता है ना, सफाई का और झाड़ू बर्तन का। शाम के टाइम भी सेम वही काम रहता है, तो उसने बस अच्छे से दोनों बेड साफ करके और बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, लेकिन उसकी बर्तन मांझने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने भी नहीं बोला था, मैंने कहा ज़्यादा बर्तन है, थोड़े बर्तन होते हैं तो वो मांझ लेती हैं, लेकिन मैंने उसको नहीं बोला। मैंने कहा चल कोई नहीं, मैं ही मांझ दूंगी। मैंने आटा भी लगा के रख दिया था और रायता भी, और बस सब्जी उधर बनी रही थी। मैंने कहा तब तक मैं बर्तन साफ कर लूँगी। और फिर जाके परी की वजह से मैं और ज़्यादा खाना जल्दी बना रही थी, कि जैसे कि परी का भी फास्ट है, मैंने कहा वो खा लेगी। वैसे तो उसने आज बिल्कुल भी मुझे वो नहीं बोला कि हाँ मम्मी भूख लग रही है, भूख लग रही है, नहीं तो वो ना थोड़ा सा परेशान करती रहती थी कि मम्मी मैं ये खा लूँ, मम्मी मैं वो खा लूँ। आज ना उसने बिल्कुल भी नहीं बोला और बहुत अच्छे से पूरा दिन व्रत किया था। और सुबह ही नहा धोकर पूजा करके मंदिर गई, मतलब स्कूल में गई थी, मंदिर जाने का तो टाइम नहीं था, लेकिन वो घर में ही पूजा करके चली गई थी। तो जी देखिए, चलिए मैं सेक देती हूँ पराठे। पहले मैं गाय के दो पराठे निकाल दूंगी और फिर जाके अपने कान्हा जी को भोग लगा दूंगी और फिर मैं परी को दे दूंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। तो जी ये देखिए, गाय को मैंने दो पराठे निकाल दिए हैं और यह है कान्हा जी का भोग, रायता और आलू की सब्जी, दो पराठे। और चलिए परी को दे देती हूँ, परी लगा देगी भोग। परी ने ही ज्योत बत्ती लगा दी थी, क्योंकि मैं किचन के कामों में लगी थी, तो परी ने ज्योत लगा के कान्हा जी को भोग भी लगा दिया है। और ये देखिए मेरी हालत पसीने से ख़राब है, ये है गाय के, मैं गाय को दे आती हूँ। मैंने गोलू को दे दिए थे, मैंने कहा गोलू गाय को दे या, और इसको तो बस खाने दे मट्ठा के आलू। फिर मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने जो आलू की सब्जी बनाई थी उसमें ही मैंने रायता डाल दिया था, तो उसने बहुत अच्छे से बहुत शौक से खा ली थी। और बस मैंने भी ले लिया है अपना वही खाना, एक पराठा और थोड़ी सी सब्जी और एक कटोरी रायता। चलिए मैं भी खा लेती हूँ बहुत अच्छे से 32 बार के साथ। और पराठे वराठे भी अगर 32 बार के साथ खाते हो ना आप, तो ये ना आपको कम नुकसान करते हैं। मतलब नुकसान तो देखो करेंगे, लेकिन इतना नहीं करेंगे कि हाँ जैसे हम फटाफट खा लेते थे ना, अगर हम इसको चबा कर खाएंगे तो वो हमें इतना नुकसान नहीं करेंगे। और हमारा ना हनी खुल रहा था, तो मेरी ना उस पर ही नज़र थी बार बार, तो परी ना उससे डर रही थी, मैं उसको ही डांट रही थी। मैंने कहा कहीं नहीं, कुछ नहीं करेगा वो। तो जी चलिए मैं खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ खाना खाने के बाद में। गाइस 8:30 बज गए हैं और खाना खाकर थोड़ा सा घर में ही घूमी, इनके लिए रोटी भी सेक के रख दी है और गोलू अभी खा रहा है। ये देखिए परी ने तो जैसे वर्क खोल लिया था मेरे साथ में ही, और परी कर रही है पढ़ाई। ये देखिए ये इस टाइम अपना काम करती है, स्कूल का ट्यूशन का जो भी रहता है। और जी चलिए मेरी हालत हो गई है ख़राब एकदम से, पराठे खा के नशा सा हो गया है। मैं लूँगी अपनी ग्रीन टी। तो जी चलिए इस वीडियो का एंड भी करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पर पहली बार आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।